आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। शुरुआत से पहले बीबीएन चैनल के व्यूअर्स से ये अपील की जाती है कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये पाबंदी कोरोना की ख़तरनाक बीमारी से आप और हम सब की हिफाजत के लिए ही लगाई गई है। ये बीमारी छूने और मेल मिलाप से फैलती है और इसका दुनिया में अब तक इलाज दस्तियाब नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एहतियात। आपसे अपील की जा रही है कि अहम ज़रूरत पर ही अपने घर से बाहर निकलें, वरना घर में ही रहने की कोशिश करें और इस बीमारी से जारी जंग को जीतने में पुलिस और हुकूमत का साथ दें। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों से भी फिर एक बार गुजारिश की जाती है कि वो घर से बाहर निकलने वाले अफराद से पूछताछ किए बगैर उनके साथ ज़्यादती ना करें। नाज़रीन, आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इतवार की रात घरों की लाइट बंद करने से नहीं होगा पावर ग्रिड पर असर, तेलंगाना जेनको के चेयरमैन प्रभाकर राव की वजाहत। तेलंगाना में लॉकडाउन पर अमल जारी, सामाजिक फासले की बरकरारी पर जोर, सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त चावल की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर्स की जानिब से अनाज की तकसीम का सिलसिला जारी। एमएलए मौजम खान ने ईदगाह मीर आलम को, कोऑपरेटर सुहेल कादरी ने जेजे नगर में किया राशन तकसीम। एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल ने किया फातिमा ओल्ड एज होम सेंटर का दौरा, बुजुर्ग लोगों में किया खाना तकसीम। एमआरओ फरीन शेख ने ओल्ड एज होम जिम्मेदारान की सताइश। सनत नगर का इलाका ओल्ड पार्टी गड्ढा सियासी लीडरों का मुंतजर, लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों का कोई पुरसाल हाल नहीं। कोविड 19 से पेट्रोलिंग पुलिस को महफूज रखने के इकदाम, सिटी पुलिस कमिश्नर ने पेट्रोलिंग गाड़ियों के डिस इन्फेक्शन प्रोग्राम का किया आगाज़।